अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आज मैं जो है ना वॉकिंग टूर कर रहा हूँ बलोच कॉलोनी ब्रिज के ऊपर का। तो ये जो पुलिस वाला आपको नजर आ रहा है, ये सामने से रोक रहा है ट्रैफिक वालों को। वो इसलिए रोक रहा है कि सामने एक बिजली की तार गिरी हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना ये वहाँ पे करंट आ रहा था। तो ये बहुत अच्छा जो है ना ये अपना जो है ना काम दिखा रहा था कि आगे जो है ना आप थोड़ा सा जो है ना मत जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आगे जो है ना वायर जो है ना वो पानी में गिरी हुई थी करंट वाली, तो करंट उसमें आया हुआ था जिसकी वजह से वो ट्रैफिक सामने देख रहे हैं आप वो भी रोका हुआ है। तो वहाँ से वो केसी वाले और तार वो को जो है ना वो हटा देंगे, तो उसकी वजह से उसके बाद ये ट्रैफिक जो है ना चला देंगे। तो ये इनको मोटरसाइकिल वालों को मना कर रहा था बार बार, अभी वहाँ से मेरे ख्याल से वायरलेस आया इनको, तो अभी जाने की इजाज़त दे दी है क्योंकि वायरलेस पे वो उनको मैसेज मिला होगा। अब ये मुझे बता रहा था कि वहाँ पे तार गिरी थी, जब मैंने उसको पूछा थे कौन सी जगह पे तार गिरी है, तो ये बता रहा था कि वो ब्रिज का उतर के जो है ना वहाँ पे पानी गिरा हुआ था, तो उसकी जो है ना इलेक्ट्रिक की तार गिरी हुई थी जिसकी वजह से जो है ना करंट आया हुआ था। तो इन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई थी, तो ये उस वजह से ट्रैफिक को जाने नहीं दे रहे थे कि करंट है उसमें। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे वॉकिंग टूर कर रहा हूँ। वॉकिंग टूर आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ इधर बलोच कॉलोनी ब्रिज का। तो अभी तो मैं वॉकिंग टूर में आपको सिर्फ ब्रिज दिखा रहा हूँ ये इसका बलोच कॉलोनी का। इसके बाद मैं जो है ना बादराबाद भी गया हूँ पैदल आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं बस के ऊपर भी चढ़ गया था। बस के ऊपर चढ़ के जो मैंने वीडियो बनाई वो भी बहुत खूबसूरत वीडियो बनी है, वो भी मैं इसको अपलोड करूंगा। तो अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको बलोच कॉलोनी ब्रिज के ऊपर से जो नीचे का सीन वो भी दिखा रहा हूँ, और ब्रिज के ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनका भी एक सीन दिखा रहा हूँ कि कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है आपको। बारिश के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा मुझे नज़र आ रहा था, तो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती होगी वीडियो। ये बारिश के दौरान मैं निकला था घर से, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता, मैं बलोच कॉलोनी एरिया के पास ही रहता हूँ तो ज़्यादा दूर मैं जा नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैं बस के ऊपर चढ़ गया था, तो बस वाली भी मैंने बनाई थी, वो बहुत खूबसूरत बनी थी बस वाली, तो ऐसे अच्छा नज़ारा लग रहा था। तो अभी मैं रोड के उस तरफ जाऊंगा, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आगे जो उस वाले रोड से सारा फैसल की तरफ जो गाड़ियाँ इधर की तरफ आ रही हैं, इधर सदर की तरफ जो जा रही हैं, तो उनका भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। अभी मैं ज़रा ये रोड क्रॉस कर लूँ, तो फिर रोड क्रॉस करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा था। ये देखें नाज़रीन, कितना आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये व्यू, ये बारिश से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, क्योंकि ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से पानी ठहरता नहीं है, वो नीचे चले जाता है, लेकिन नीचे बहुत पानी है। ब्रिज के उतरने के बाद जो एरिया आता है ना, जैसे ब्रिज उतरो तो नीचे बहुत ज़्यादा पानी था, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं वॉकिंग टूर करूंगा इधर बादराबाद का भी, और ये अंडरपास तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, वो भी मैं आपको जो है ना वॉकिंग टूर में आपको दिखाऊंगा। तो ये ज़रा रोड क्रॉस कर लेते हैं, ज़रा ये वाइट गाड़ी भी निकल ले और ये रक्षा भी निकल ले, तो इसके बाद जो है ना रोड क्रॉस करता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ कुछ ऐसी स्पीड से आ रही होती है। आप लोगों से भी इल्तमास है कि रोड क्रॉस करें तो बहुत एहतियात से करें। देखिए अभी बिल्कुल रोड बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जब आ रही होती है ना तो इंसान को पता नहीं चलता कि स्लो आ रही है या तेज़ आ रही है, उस वजह से जो है ना वो गाड़ी भी टकराने का खतरा होता है। ये देखें नाज़रीन, ये वन वे लोग भी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, क्योंकि आगे पानी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये ना ये वन वे भी मोटरसाइकिल वाले आपको नज़र आ रहे हैं जाते हुए। ये माशाल्लाह से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है बारिश के बाद का, बल्कि बारिश हो रही थी अभी बारिश आहिस्ता थोड़ी सी हो रही थी। तो मैं फिर रोड क्रॉस करके मैंने आपको वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ से इधर की तरफ सदर की तरफ आते हुए ट्रैफिक की तरफ मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो मैं इस जो वीडियो जो हिल रही है, मैं इसके लिए मैं आपसे माजरा चाहूँगा, क्योंकि मैंने स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ था, ये जो है सेल्फी स्टिक होती है ना उसके ऊपर मैंने कैमरा लगाया हुआ था, तो ये कैमरा जो है ना ये वाटरप्रूफ कैमरा था, वो मोबाइल नहीं था ये, तो ये वाटरप्रूफ कैमरा था, जिसकी वजह से मेरा हाथ हिल रहा था बार बार, क्योंकि ऊपर उठाया हुआ था तो थक रहा था हाथ, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हिल रहा था कैमरा, जिसकी वजह से मैं माजरा चाहता हूँ, क्योंकि हाथ थक जाता है जब वो आप स्टिक उठा के रखो काफ़ी देर तक। तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ ले कर चलता हूँ नाज़रीन, ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत मुझे पता है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो ये आप देख रहे हैं बलोच कॉलोनी का ब्रिज। अब मुझे दोबारा रोड क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करके फिर मैं जो है ना दोबारा इसके बाद, इस वीडियो के बाद जैसे ही ये ख़त्म होगी, तो फिर यानी कि 5 से 10 मिनट के बाद जो है मैं बस के ऊपर चढ़ गया था, वो बादराबाद की तरफ उसने मुझे उतारा था, तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीन था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो देखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।